ऑल ऑफ यू, कैसे हैं सब लोग? उम्मीद है सभी अच्छे होंगे। आज हम लोग सिंपल सा टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, एमीटर और वोल्ट मीटर। आपके एग्जाम के पर्पज से इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन आपको पता होनी चाहिए कि एमीटर क्या होता है, वोल्ट मीटर क्या होता है। तो एमीटर क्या होता है सबसे पहले देखते हैं। तो एमीटर क्या है, ये किसको मापता है, एमीटर किसको मेजर करता है? एमीटर एक आपका यंत्र है। एमीटर क्या है? आपका एक मशीन है। वो कौन सा मशीन है जो आपके करंट इलेक्ट्रिसिटी को मेजर करता है ना? तो एमीटर क्या करता है, इट मेजर्स द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फ्लोइंग इन एनी सर्किट, है ना? किसी सर्किट में कितना करंट फ्लो कर रहा है उसको मेजर करता है एमीटर। ठीक है, ठीक है। लेकिन वोल्ट मीटर क्या करता है? तो वोल्ट मीटर क्या करता है, ये पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करता है। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है इसके लिए मैं अलग बताऊंगा आपको, ठीक है? अभी बस समझ लेना, आप याद कर लेना, ठीक है? ये क्या करता है, इट मेजर्स द पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स ऑफ द सर्किट। किसी सर्किट में दो पॉइंट के बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसे मेजर करता है, उसे क्या कहते हैं, वोल्ट मीटर कहते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस आप सभी जानते हो वोल्टेज को कहते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस वोल्टेज को कहते हैं। तो किसी भी दो टर्मिनल के बीच वोल्टेज कितना है इसको मेजर वोल्ट मीटर करता है, ठीक है? अब जरा देखो, जो एमीटर है इसे हम कनेक्ट कैसे करते हैं, एक सर्किट बनाते हैं। देखो, देखो एमीटर हमेशा सीरीज कनेक्शन में जोड़ते हैं हम किसी भी सर्किट। ये सर्किट हमने बनाया है और इस सर्किट में एमीटर हमने सीरीज में कंबाइन किया है, ठीक है? सीरीज कनेक्शन और पैरेलल कनेक्शन हम अलग से पढ़ेंगे, ठीक है? उसकी क्लास अलग से होगी, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसलिए अलग से क्लास होगी उसकी। सीरीज कनेक्शन सिंपली ये समझ लो कि जिस वायर में आपका ये वोल्टेज सोर्स लगा हुआ है ना, इस वायर में ही इस एमीटर को कनेक्ट किया। कैसे कनेक्ट किया? तो सीरीज कनेक्शन सिंपली ये समझ लो कि मान लो ये एक रेसिस्टेंस है, ये दूसरा है, ठीक है? इन दोनों को इस तरह से आप कनेक्ट करो। ये देखो, ये मान लो आप, इसका लेफ्ट हैंड है, ये राइट हैंड है, इसका लेफ्ट हैंड है, ये राइट हैंड है। अगर इसके राइट हैंड को लेफ्ट से कनेक्ट कर दिया, मीन्स एक दूसरे को यदि आप लेफ्ट को राइट से, लेफ्ट को राइट से, लेफ्ट को राइट से, ये राइट को लेफ्ट से, राइट को लेफ्ट से ऐसे कनेक्ट किया है तो उसे सीरीज कनेक्शन कहेंगे, ठीक है? मान लो इसका ये लेफ्ट हैंड है और इसका देखेंगे ये करंट सोर्स का, वोल्टेज सोर्स का, तो ये राइट हैंड है, तो क्योंकि ये इधर है, इसका ये इधर है, तो ये सीरीज कनेक्शन में है, ठीक है? वो आप अच्छे से जब मैं बताऊँगा अलग से सीरीज कनेक्शन और पैरेलल कनेक्शन तभी आपको समझ में आएगा, ठीक है? लेकिन वोल्ट मीटर को किस में कनेक्ट करते हैं? पैरेलल कनेक्शन करते हैं। कैसा करते हैं? पैरेलल कंबाइन करते हैं। कैसा कंबाइन करते हैं? पैरेलल, ठीक है? इसको कैसे करते हैं? सीरीज में करते हैं। इसका डायग्राम देख लो, एक मान लो आप रेसिस्टेंस बना दिया, ये वोल्टेज सोर्स, ये स्विच लगा दिया, तो इसका कनेक्शन कैसे करते हैं देखो, तो इसको पैरेलल कनेक्शन करते हैं। कैसा करते हैं? वोल्ट मीटर को पैरेलल कनेक्ट करते हैं, ठीक है? अब देखो दोनों में डिफरेंस है, इसको हमने सीरीज में कनेक्ट किया था, सीधे सीधा कनेक्ट कर दिया, लेकिन इसको नहीं किया सीधा सीधा कनेक्ट, इसको पैरेलल कनेक्शन किया। इसी को पैरेलल कहते हैं, आगे हम लोग बहुत अच्छे से समझेंगे, ठीक है? एक चीज और देख लो आप, कि जो एमिटर होता है इसमें लगभग लगभग ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल रेसिस्टेंस होता है।
नेग्लिजिबल रेसिस्टेंस होता है, ध्यान रखना आप इस बात को, लगभग जीरो रेसिस्टेंस होता है, लगभग जीरो रेसिस्टेंस। मैं लगभग कह रहा हूँ, ऑलमोस्ट जीरो, नॉट एग्जैक्टली जीरो, ऑलमोस्ट जीरो एग्जैक्टली नहीं कह रहा हूँ, लेकिन इसमें आप देखो इंटरनल रेसिस्टेंस बना हुआ है, तो इसमें रेसिस्टेंस मैक्सिमम होता है, जो रेसिस्टेंस है उसमें मैक्सिमम होता है, ठीक है, आर रेसिस्टेंस समझना, ठीक है, रेसिस्टेंस भी अलग से पढ़ेंगे हम लोग। तो ये है वोल्टमीटर और एमीटर, दो इंस्ट्रूमेंट है। तो एमीटर कैसा इंस्ट्रूमेंट है, इट मेजर्स द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करेंट, अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी को मेजर करता है, इसे सीरीज कनेक्शन में लगाया जाता है, इसमें लगभग जीरो रेसिस्टेंस होता है, ठीक है। वोल्टमीटर क्या होता है, तो ये ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो क्या करता है, पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करता है, दो किसी भी दो पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस वोल्टेज को मेजर करता है ये इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। ये पैरेलल कनेक्शन में, पैरेलल कंबाइन किया जाता है किसी भी आपके सर्किट में, ठीक है, और इसमें रेसिस्टेंस मैक्सिमम होता है। तो ये है आपका एमीटर और वोल्टमीटर, ठीक है ना। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे ओम्स लॉ, वो हम लोग अगली क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, अच्छे से पढ़ाई कीजिए आप लोग, ठीक है।